दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी। इसे मिल्क मेड भी कहा जाता है। तो ये मिठाइयों में यूज होता है, ये मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सस्ते दामों में बनने वाला मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो हमने गैस पर रखी है सबसे पहले एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे आधा लीटर फुल फैट दूध। हमने यहाँ पर पैकेट वाला दूध लिया है, आप गाय या भैंस का भी ले सकते हो। तो हम आधा लीटर दूध डाल देंगे कढ़ाई में, और गैस को हमने अभी ऑन नहीं किया है। और अब हम इसी समय इसमें डालेंगे एक कप चीनी। तो हमें कच्चे दूध में ही चीनी को मिलाना है। एक कप हमने चीनी ली है, दूध से आधी हमें चीनी लेनी है। अब कर देंगे हम गैस को ऑन, और गैस को हमें मीडियम रखना है। मीडियम गैस पर हम चलाते जाएंगे इसको। इसको हमें दूध से आधा हो जाने तक पका लेना है। देखिए दोस्तों, ये उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही हमें कंटिन्यू इसको चलाते जाना है। इसको हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है, नहीं तो ये नीचे तली से जल जाएगा और हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा दूध आधा हो गया है गाढ़ा होकर। तो देखिए इस तरीके की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखाने, ना इससे हमें ज़्यादा थिक करना है ना इससे पतला करना है, ये ठंडे होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें गैस को बंद करने का, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल एक पिंच इतना जो खाने वाला सोडा होता है और मीठा सोडा भी उसे कहा जाता है, बस हमें एक पिंच इतना डालना है। और उसको डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस को हमें इस वक्त ऑफ ही रखना है, हमें ऑफ ही गैस पर इस सोडा को डालना है। सोडा डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद हम एयर टाइट डिब्बे में इसको भर लेंगे। तो दोस्तों हमारे मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क ठंडा हो गया है, और आप देख सकते हैं ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके का मार्केट में मिलता है कंडेंस मिल्क। अब इसको हम एयरटाइट डिब्बे में भरकर एक से डेढ़ महीने तक चल जाएगा ये। तो आप कोई भी मिठाई, केक, आइसक्रीम वगैरह में यूज़ कीजिए। बहुत ही घर पर सस्ते दामों में मिल जाता है, मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। तो आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही हम अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे।